हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है और इसको हम वेव ऑप्टिक्स में स्टडी कर रहे हैं। हमारा नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में हमने दो फिनोमिना स्टडी किए, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ऐसे बहुत सारे फिनोमिना इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। आगे जाके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज देयर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके इंटरफेरेंस पैटर्न इज देयर, डिफ्लेक्शन इज देयर, डॉपलर इफेक्ट इज देयर। ऐसे बहुत सारे फिनोमिना हम स्टडी करने वाले हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है? अगर आपके माइंड में एक पॉइंट क्लियर हो गया तो आप आगे जाके इंटरफेरेंस पैटर्न, रिफ्लेक्शन पैटर्न, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, बहुत इजीली आपके माइंड में क्लियर कर सकते। ओके, देन यहाँ इसको अच्छे समझना बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हो। अब यहाँ पे देखना, जब इसको हम समझते हैं तो यहाँ पे मैंने एक वेव ड्रॉ की, एक एक पार्टिकल है और एक वेव आ रही है, ऐसे एक वेव आ रही है। इस वेव में ये जो वेव हमको मिल रही है वो सोर्स वन में से आ रही है। कहाँ से आ रही है? सोर्स वन में से। उसका सोर्स है एस वन, उसमें से हमको एक वेव मिल रही है। और यहाँ पे ये हमने एक ऐसे कोई प्लेट रखा है या तो उसमें कोई पॉइंट है, जैसे ऐसा समझो कि हमने एक कागज के टुकड़े को पानी में रख दिया, जैसे उसको हमने समुद्र में फेंक दिया। पानी का टुकड़ा ऐसे समुद्र में ठहर रहा है, एक वेव आ रही है ऐसे। जब ये ऐसे आएगी और ऐसे आएगी तो इसको ऊपर करेगी, जब ऐसे आएगी तो इसको नीचे करेगी। ये ऐसे तैरता है, आपने बहुत बार देखा है इसको ऐसे, बरोबर है। तो ऐसा एक पॉइंट है और ए सोर्स में से लाइट आ रही है, मतलब लाइट किस फॉर्म में आ रही है? वेव सोर्स वन में से। अब इसका ए जो एम्पलीट्यूड है इसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। ए एम्पलीट्यूड है ए वन, कितना है? ए वन। और ए जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है? ऑल्सो ए वन, बट दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव। अब समझना, ये जब वेव ऐसे पास होती है तो जब ए पॉइंट यहां पे पहुंचेगा तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए पॉइंट जब यहां पे पहुंचेगा इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है? जीरो। ए ऐसे यहां पे खड़ा है, ये वेव ऐसे आ रही है, जब ए पोर्शन आएगा इसको तो इसको ऐसे ऊपर कर देगा, ए वाला पोर्शन जब आएगा तो इसको ऐसे ऊपर कर देगा, जब ए नीचे वाला पोर्शन आएगा जीरो तो इसको कुछ नहीं करेगा, और जब ऐसे करके ऐसे नीचे वाला पोर्शन आता है तो इसको ऐसे नीचे लेके जाएगा। मतलब समझना, जब ए वन यहाँ पे आएगा ए वन तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना? जीरो। मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट वाई है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? वाई। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, दिस वे पुट एरो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। जब ए पॉइंट यहाँ पे पहुंचता है, ए पॉइंट जब यहाँ पे पहुंचेगा ए वेव तो ऐसे आगे जाएगी, तो आगे जाएगी तो आगे कैसे बढ़ती है? तो ए पॉइंट यहाँ पे आएगा फिर यहाँ पे आएगा, ऐसे करते करते ए पॉइंट यहाँ पे आएगा। जब ए पॉइंट यहाँ पे पहुंचता है
cos a, क्योंकि a पॉइंट अभी इसका एम्पलीट्यूड कितना है cos a, तो a जब आएगा तो इसको कितना डिस्प्लेस करवाएगा, प्लस a जितना। जब a पॉइंट आएगा तो इसको कितना डिस्प्लेस करवाएगा, माइनस a। ऐसे इसका डिस्प्लेसमेंट होता रहता है, कब जीरो माइनस a, जीरो प्लस a, जीरो माइनस a, ऐसे समझ लो। ऐसे है ए आ जीरो, फिर ऐसे आ प्लस ए, जीरो माइनस ए, जीरो प्लस ए, जीरो माइनस ए, ऐसे इसका डिस्प्लेसमेंट चलता रहता है। मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप समझ सकते हो कि एक पॉइंट है, वेव ऐसे आ रही है और इसको डिस्प्लेस कर रहा है ऐसे। आप देख रहे हो कि पानी में कोई चीज़ है तो ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है, वो ऊपर नीचे कौन करता है इसको, जो वेव्स आती है वो, तो इसको भी ऐसे ऊपर नीचे करते हैं। पर आपको समझना ही क्या है कि ए पॉइंट आएगा तो ए पॉइंट कहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस। जब ए पॉइंट आएगा तो ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे हो जाएगा माइनस। ए आएगा जीरो, ए आएगा प्लस ए, जीरो माइनस ए, ऐसा इसका डिस्प्लेसमेंट चलता रहेगा। अब यहाँ पे हम साथ में एक पॉइंट और डिस्कशन करते हैं, छोटा सा पॉइंट है कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस लाइट वेव। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव इज I directly proportional to A square. I directly proportional to A square. A formula आपको याद रखना है। Intensity is directly proportional to square of amplitude. Intensity is directly proportional to square of amplitude. मान लो कि A amplitude 5 है, 5 है। जब A point यहाँ पर पहुँचता है, तो A कितना distance करेगा? Plus 5. इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, प्लस 5, तो इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, 5 का स्क्वायर कितना 25, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी 25। जब ए पॉइंट यहाँ पर पहुंचेगा तो इसको कहाँ पर डिस्प्लेस करवाएगा, नीचे, इसका माइनस है तो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ माइनस 5, तो इंटेंसिटी कितनी 25। माइनस है तब भी इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, प्लस है तब भी इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर ऑफ एम। ओके चलो, इतना समझ में आया, एक वेव आ रही है इस पॉइंट को डिस्प्लेस कर रही है, तो कभी जीरो कभी प्लस ए, जीरो माइनस ए, जीरो प्लस ए, जीरो माइनस ए, ऐसा चल रहा है। अब यहाँ से चलो ए वन है। अब यहाँ पे इस पॉइंट में हमने एक दूसरी वेव सोर्स में से दूसरी वेव यहाँ पे इसी रहे, और ये जो वेव है यहाँ पे देखना, यहाँ से दूसरी वेव को हमने ऐसे ऐसे ए वेव ली, और इसका सोर्स क्या है, एस टू, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए टू, ए पॉजिटिव, और दिस इज ए टू नेगेटिव। ओके, अब इसको अभी सोचना बंद कर दो, अब इसे फिर से सोचिए कि एक वेव आ रही है और इसको कितना डिस्प्लेस कर रही है। चलो टेल मी व्हेन दिस पॉइंट कम इन हियर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जी कितना होगा, जी। चलो ए पॉइंट आएगा तभी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, प्लस ए टू, ए पॉइंट आएगा तभी इसको कितना डिस्प्लेस कर जाएगा, माइनस ए टू, ए नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ डिस्प्लेस कर जाएगा, तो इससे भी आपको इसका डिस्प्लेसमेंट मिलता है। इससे जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं वाई वन इस वेव से, और इससे जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं वाई टू। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है वाई, पर सोर्स वन से डिस्प्लेसमेंट वाई वन, सोर्स टू से डिस्प्लेसमेंट वाई वन, इस डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे।
अब हमने क्या किया कि एक ही पॉइंट पे दोनों सोर्स को अप्लाई किया, दोनों सोर्स इंसिडेंट कर दिए। अब समझना है कितना होगा और क्या होगा। जैसे इस पॉइंट पे इस वेव का ए पॉइंट आता है और इस वेव का ए पॉइंट आता है, अब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एक वेव आ रही थी, इसको इतना किया, अब दोनों वेव आ रही है, दोनों ए पॉइंट है, तो इतना ऊपर हो गया, इतना ऊपर इतना नीचे हो गया, क्योंकि सोर्स कितने हैं, दो वेव्स कितनी आ रही है, टू वेव्स आ रही है। तो हमने देखा कि जब इसका और इसका दोनों की क्रैश, इसको क्या बोलेंगे क्रैश, और इसको क्या बोलेंगे टॉप, तो क्रैश आ रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्रैश में इतना ज़्यादा होगा। जब ए पॉइंट और ए पॉइंट आते हैं तो टॉप में ज़्यादा होगा। अब मान लो कि हमने इसकी वैल्यू डिसाइड कर ली, ए वन फॉर एग्जाम्पल ए वन इज इक्वल टू फाइव और ए टू इज इक्वल टू फोर, ओके, तो प्लस ए वन टू प्लस फाइव, माइनस ए वन टू माइनस फाइव, प्लस ए टू टू प्लस फोर, माइनस ए टू टू माइनस फोर। अब आप इंस्टेंट मुझे आंसर देना कि इसका ए पॉइंट और इसका ए पॉइंट आ रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए पॉइंट मतलब प्लस ए वन प्लस फाइव, ए पॉइंट मतलब प्लस ए टू प्लस फोर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फाइव प्लस फोर कितना, नाइन, इतना ओपन जाएगा। तो चलो इसका ए पॉइंट आ रहा है और इसका ए पॉइंट आ रहा है, तो ए क्या है जीरो, ए भी क्या है जीरो, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना जीरो। इसका ए पॉइंट आ रहा है और इसका ए पॉइंट आ रहा है, अब डिस्प्लेसमेंट कितना, प्लस फाइव माइनस फोर, प्लस फाइव माइनस फोर कितना, वन, ए कितना सॉल्व हो जाएगा, ओके। अब इसका ए पॉइंट आ रहा है और इसका ए पॉइंट आ रहा है, माइनस फाइव माइनस फोर माइनस नाइन, इतना सारा नीचे आ जाए, इट्स अ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। जब एक ही पॉइंट दोनों वेव के जो उसकी इन्फ्लुएंस है उसके नीचे आता है और टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट करना है, इट्स कॉल्ड अ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे वन से ज़्यादा टू वेव्स थ्री वेव्स फोर वेव्स कोई भी हो सकती है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज अ सम ऑफ वेक्टर सम ऑफ टू इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड अ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। समझ में आया। अब चलो ए आया और ए पॉइंट आया, ए कितना है प्लस फाइव, ए कितना है प्लस टू, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नाइन, देन इंटेंसिटी ऑफ दिस टू वेव्स इज नाइन, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, नाइन स्क्वायर मतलब 81, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब उनको वहाँ पर बहुत ज़्यादा जमा दिख रहा है। जब ये दोनों पॉइंट आ रहे हैं, ये दोनों में जीरो जीरो, तो वहाँ पर उनको आर्क दिख रहा है, कुछ नहीं दिखता। जब ए पॉइंट और ए पॉइंट आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, 81 जीरो, कितनी इंटेंसिटी होगी 81, बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। ए पॉइंट आएंगे तो जीरो दिख रहा है। जब ए और ए आते हैं तो माइनस फाइव माइनस टू माइनस नाइन स्क्वायर 81, वो भी बहुत ब्राइट दिख रहा है। तो ये जो लाइट है वो ऐसे चलती है, एक बार आएगी, अगर ए पॉइंट दोनों आते हैं तो 81 मतलब ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसे, ओके, तो इट्स कॉल्ड अ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। व्हाट इज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, दिस इट्स अ सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, इसको हम डिफाइन करते हैं। नाउ यहाँ पर देखिए, हियर इफ अ पॉइंट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मोर देन वन लाइट वेव्स, इफ अ पॉइंट दिस इज द पॉइंट एंड विच इज पॉइंट इज पॉइंट बी, इफ अ पॉइंट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मोर देन वन लाइट वेव्स, मोर देन वन लाइट वेव्स एट एनी गिवन इंस्टेंट, एट एनी गिवन इंस्टेंट दिस इज
extension point, this is extension at any given extension. The displacement of light vectors, is vector sum of displacement vectors given by individual lights. Y is equal to y1 plus y1, and it's called the displacement vectors, sum of displacement vectors, and principle of superposition. It's called the principle of superposition. समझ में आएगा, बहुत सिंपल है. 8.2, दो वेव डिस्प्लेस करवा देंगे तो उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एडिशन करेंगे. इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन. ओके, तो ये आप अच्छे से समझना. अगर आपके माइंड में ये क्लियर है तो आप आगे जाके जो चीज़ें हमको समझनी है वो बहुत आप इजी से समझ सकते हैं. ओके, तो ये पूरा जो पॉइंट है अच्छे से समझना और अच्छे से इसको याद करना. एंड व्हाट इज इंटेंसिटी,